बैंकिंग ब्लॉक के एक नए सेशन में मैं शशि आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम लोग का टॉपिक है कि क्या 45 दिन में आरबीआई अटेंडेंट क्रैक किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। आज उसी का पूरा प्लानिंग देखेंगे। बहुत सारे कमेंट्स थे मेरे वीडियो पे कि सर आप सिलेबस बता दो, सर आप जीके करा दो, सर कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो आज सारा इसके बारे में जानेंगे कि आप 45 दिन में कैसे क्रैक कर सकते हैं आरबीआई अटेंडेंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो सबसे पहले रिक्रूटमेंट के बारे में बात करते हैं कि उसका हाईलाइट पॉइंट क्या है। तो जैसा कि आपको पता है कि 841 पोस्ट के लिए बहाली निकली है और ये 2017 में 526 पोस्ट था जिसकी बहाली निकली थी, यानी 17 के बाद सीधे ये 21 में फॉर्म आया है। लेकिन इसका नाम 2020 इसलिए रखा गया कि ये जो पोस्ट है वो 2020 का है, 21 में एग्जाम्स हो। दूसरा इम्पोर्टेंट बात है कि इसका जो एग्जाम है वो अप्रैल 9 और 10 अप्रैल को लिया जाएगा। जो एज क्राइटेरिया रखा गया है वो 18 से 25 साल और 10th पास जो भी बच्चे हैं उसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि इसका सिलेबस क्या है, सीबीटी का एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम में क्या पूछे जाएंगे, कितने मिनट में पूछे जाएंगे, कौन से क्वेश्चन होंगे। तो जो उस बार एग्जाम हुआ था और इस बार का जो पैटर्न है वो दोनों सेम है। जीएस आपका 30 क्वेश्चन है 30 नंबर का, ठीक है। मैथ आपका 30 क्वेश्चन है 30 नंबर का, रीजनिंग आपका 30 क्वेश्चन है 30 नंबर का, इंग्लिश 30 क्वेश्चन है 30 नंबर का। आपको टोटल 120 क्वेश्चन को जवाब देना है और 120 नंबर है यानी इक्वल नंबर है, और टोटल कंपोजिट टाइम वो 90 मिनट है। और याद रखिए आपको सेक्शनल क्वालिफाई करना है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि आपको सेक्शनल क्वालिफाई करना है सारे पेपर में। इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, तो सबसे पहले हम लोग को ये देखना होगा कि हमको इस एग्ज़ाम में नंबर कितना लाना है 120 में, जो कि हम सिक्योर हो जाएं अपने जॉब के लिए। तो सिंगल एग्ज़ाम है, उसके बाद एलपीटी होता है। एलपीटी सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, आपका जो भी रिजल्ट मेरिट बनेगा बस वही 120 नंबर पे बनेगा। तो ये हमारा 2017 का ये कट ऑफ है जिसमें आप देख सकते हैं, ये जनरल कैटेगरी का ये कट ऑफ है, ठीक है। तो ये जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है इसमें साफ आपको पता चल रहा है कहीं कहीं पे जहाँ सीट्स ज़्यादा थी, जहाँ जैसे कि बेंगलुरु में 77 है और मैक्सिमम 90 किसी में नहीं गया। यानी कि अगर हम लोग मान के चलें कि अगर आप 90 नंबर ले आते हैं 120 में, जो कि डुएबल है, तो ये बहुत अच्छा स्कोर होगा और आप जॉब के लिए 100% क्वालिफाई हो जाएंगे। तो ये 90 नंबर कैसे आएगा, आज उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि हम कैसे 90 नंबर ला सकते हैं। तो ये बार बार क्वेश्चन आता है सर एसटी में वैकेंसी नहीं है, तो हम एसटी से फॉर्म भरें, बिल्कुल नहीं, आप जनरल से फॉर्म भरिए। वैकेंसी है ही नहीं तो फॉर्म भर के आप क्या कीजिएगा। अगर कट ऑफ आपका जनरल का आएगा तभी कंसीडर किया जाएगा, लेकिन आपने एससी कैटेगरी डाला है तो जनरल कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो उस साल जो पेपर हुआ था उसमें न्यूमेरिकल में यानी कि मैथ में क्या पूछा गया था, DI 5 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन 5 क्वेश्चन, नंबर सीरीज 5 क्वेश्चन, मिसलेनियस 15 क्वेश्चन यानी कि अर्थमेटिक, टोटल 30 क्वेश्चन थे और जो कि इजी, ठीक है, इजी टू मॉडरेट लेवल जिसको हम लोग कह सकते हैं। इसमें आसानी से आप लोग 21 से 24 ला सकते हैं, ठीक है, 21 से 24 ध्यान दीजिएगा, मैं बताऊंगा 21 से 24 कैसे लाया जा सकता है। उसी तरह इंग्लिश में रीडिंग कंप्रहेंशन 10 क्वेश्चन जो कि स्टोरी बेस होता है, बहुत आसान स्टोरी होता है, इसमें 10 नंबर आप आसानी से ला सकते हैं। सेंटेंस का अरेंजमेंट होता है, स्पेलिंग का एरर होता है, जिसलैक हमको याद है 2017 में जो पेपर था उसमें एग्जामिनेशन गलत था, कमीशन गलत था। एरर डिटेक्शन में अगर हम लोग देखें 5 क्वेश्चन आता है, कॉमन एरर जिसको हम लोग बोलते हैं, और सिंगल फिलर में हम लोग को 5 क्वेश्चन, टोटल 30 क्वेश्चन आता है। ये भी इजी टू मॉडरेट होते हैं, आसानी से आप इसमें से इजीली 30 नंबर ला सकते हैं इसमें कोई। अगला है रीजनिंग, रीजनिंग में जो सीटिंग अरेंजमेंट और पजल थे वो 2 क्वेश्चन थे 5-5 नंबर के, साइलोलिज्म 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, ब्लड रिलेशन 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, डायरेक्शन सेंस 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, कोडिंग 4 क्वेश्चन जो चाइनीज कोडिंग होते हैं, अल्फा सीरीज 4 थे और न्यूमेरिकल सीरीज 4 थे। ये आप 30 में 30 मैं कह रहा हूँ 30 में 30 यहाँ पे आएगा, इसमें कोई शक नहीं है 30 में 30 आएगा। इसी तरह अगर मैथ का हम लोग प्लानिंग करते हैं कि आखिर हम मैथ में क्या करें, ये मेरा 21 नंबर से 24 नंबर के बीच में हम मैथ में स्कोर करें, जो अच्छे बच्चे हैं जिनका अर्थमेटिक अच्छा है वो 30 में 30 ला सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ है ही नहीं, क्योंकि आपके पास समय का पर्याप्त समय है, 90 मिनट बहुत समय होता है। तो आखिर मैथ में हम क्या करें कि ये 21 से 24 का मार्क हम लोग कर पाएँ। तो ध्यान से समझिएगा ये सारा प्लानिंग, और यूट्यूब में कहीं नहीं ये प्लानिंग बताया जाएगा। तो सबसे पहले आपको हर दिन 2 DI बनाना है, ये लगातार 1 मंथ तक, हर दिन 2 DI बनाना है लगातार 1 मंथ तक।
हर दिन 20 सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन बनाना है, क्योंकि इसमें स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 20 सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन डेली बनाना है एक मंथ तक। जो भी सीरियस बच्चे हैं ध्यान से समझेंगे, डेली 10 मिसिंग या रॉन्ग सीरीज को एक मंथ तक करना है, क्लियर है। उसके बाद डेली 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक मंथ तक करना है। और ये उस बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी शिफ्ट में नहीं पूछा गया था, लेकिन आपको तैयारी करना है इसकी। उस साल जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें अर्थमेटिक से 15 क्वेश्चन आए थे, जिसमें कि टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, ट्रेन और बोट, एलिगेशन, पाइप, इसको मिला के 15 क्वेश्चन आए थे। आपको बस इतना ही टॉपिक करना है, इससे ज़्यादा अगर कुछ क्वेश्चन आएगा तो एक पार्टनरशिप आ सकता है बस। तो आपको अर्थमेटिक के लिए आरएस अग्रवाल से आपको बनाना है, और डेली आप लोग को हर चैप्टर से दो क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, हर चैप्टर सिर्फ दो क्वेश्चन बनाइए एक मंथ तक, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। YouTube पे दुनिया भर का वीडियो है इस चैप्टर से रिगार्डिंग, आप उसको देखिए और उसमें से आप क्वेश्चन को बनाइए। इस वीडियो को दो टाइप के लोग देख रहे होंगे, पहला तो वो जो नोटिफिकेशन आने के बाद प्रिपरेशन को स्टार्ट करने वाले हैं, दूसरा वो ऑलरेडी बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहा है। तो ये मैंने जो प्लानिंग बताया वो उनके लिए है जो नोटिफिकेशन आने के बाद स्टार्ट करना चाहते हैं प्रिपरेशन, और जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं जिनका ये सारा चैप्टर मजबूत है उनको बस मॉक लगाना है, ओनली प्रैक्टिस सेट देना है और इसके अलावा कुछ नहीं करना है। क्योंकि स्कोरिंग इसमें हाई जाता है, तो जब तक आप मॉक नहीं लगाएंगे आपका स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन नहीं होगा। ये सारा एग्जाम स्पीड और एक्यूरेसी बेस पे है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन आप लोग के मन में होगा कि सर ये डेली 2 DI कहाँ से लाएं, डेली 20 सिंप्लीफिकेशन कहाँ से लाएं, डेली 10 मिसिंग और रॉन्ग नंबर सीरीज कहाँ से लाएं, डेली 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ से लाएं, और ये अर्थमेटिक का MCQ कहाँ से बना है। ये सारा प्रॉब्लम आप लोग के सामने आ रहा होगा। अभी देखिए, आपको जहाँ से मिलता है आप वहाँ से बनाइए, यूट्यूब पे दुनिया भर का चैनल है, आप कहीं से बनाइए, लेकिन इतना आपका डेली होना चाहिए, मेरा बस यही ऑब्जेक्टिव है। अगर आपको इसका प्रॉपर तैयारी करना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, जिसका नाम है IBPS PT 2020। डेली रात में 9 बजे मैं यही काम कराता हूँ, डेली 2 DI, डेली 20 सिंप्लीफिकेशन, डेली 10 मिसिंग MCQ बेस पे, और डेली 5 क्वाड्रेटिक, वो भी टाइमली टाइम से कि आपको इतना देर में ये बनना चाहिए। तो अगर आपके पास डेटा यानी आपके पास जो भी मटेरियल है इसका कमी है, या आप चाहते हैं कि एक अच्छा लेवल का मटेरियल मिले और आप इसका प्रैक्टिस करें, तो आप आज ही ज्वाइन कीजिए IBPS PT 2020 डेली रात 9 बजे। यहाँ पे आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश का प्रिपरेशन मैं करा दूँगा। अब आते हैं हम लोग रीजनिंग में। रीजनिंग में जैसा कि आपको मैंने बताया कि 2 पजल्स आए थे, तो देखिए पजल्स कितने टाइप के होते हैं पहले तो बहुतों को नहीं पता है, तो आज देखेंगे पजल कितने टाइप्स के होते हैं। पहले तो बॉक्स बेस पजल होता है, फ्लोर बेस पजल होता है, डे बेस पजल होता है, एज बेस पजल होता है। पजल जो होता है उसमें हाइट एंड डिस्टेंस या हाइट, कलर, मार्क, ETC, इस टाइप के भी पजल्स आते हैं। पजल जो भी ब्लड रिलेशन के बेस हो गए, और सैलरी और एक्सपीरियंस, या जो पोस्ट बेस पजल होते हैं, लीनियर पजल होते हैं, पैरेलल लाइन पजल होते हैं, ठीक है, डबल जो होते हैं, सर्कुलर पजल होते हैं, और अनसर्टेन पजल होते हैं। ये अभी ये ट्रेंड चल रहा है पजल्स का। आपको ये सारे पजल का प्रैक्टिस करना होगा, और प्रैक्टिस कहाँ होगा, IBPS PT 2020 के टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। तो जो उस बार पजल आए थे वो आए थे लीनियर बेस, सिंपल 1 वेरिएबल का था, यहाँ ये क्वेश्चन। दूसरा था सर्कुलर, ये भी सिंपल, ये 2 पजल आए थे 10 नंबर के, ठीक है। लेकिन इस साल कौन से पजल आएंगे वो किसी को नहीं पता, लेकिन लेवल इजी ही होने वाला है, क्योंकि ये क्लास 4 का वैकेंसी है। तो ये रीजनिंग का पजल का प्लान है। और रीजनिंग में क्या पढ़ना है हम लोग को, साइलोलिज्म आपको डेली 5 साइलोलिज्म बनाना है एक मंथ तक, ब्लड रिलेशन डेली 5 बनाना है एक मंथ तक, कोडिंग डिकोडिंग 5 बनाना है एक मंथ तक, रैंकिंग 5 बनाना है डेली एक मंथ तक, सिटिंग अरेंजमेंट डेली 5 बनाना है। और आपको फिर वही बात है कि अगर आपको ये सब नहीं मिलता, आप चाहते हैं कि डेली एक सिलेबस भाई हम तैयारी करें, तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए IBPS PT 2020। अगर आप ये ज्वाइन नहीं भी करते हैं लेकिन आपको अगर YouTube पे ये सारा मटेरियल मिल जाता है तो आप कर लीजिए, लेकिन आपको इतना करना है
एनी हाउ अब आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश में वही करना है, रीडिंग कम्प्रेंसन डेली एक बनाना है, क्लोज टेस्ट एक डेली बनाना है, स्पेलिंग एरर डेली 10 बनाइए। स्पेलिंग एरर ऐसा चीज़ है कि जहाँ पे आप 5 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, 5 में 5 डील कर सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स डेली 5 बनाना है, एरर का स्पॉट डेली 5 बनाना है। अगर ये सब भी आपको प्रॉब्लम है मटेरियल में तो आप IBPS PT 2020 ज्वाइन कीजिए डेली रात 9 बजे। ये हो गया आपका मैथ रीजनिंग इंग्लिश। मैं फिर बता रहा हूँ, एक मंथ मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एक मंथ तक ये अपना फंडामेंटल यानी बेसिक तैयार करेंगे, फिर जो 15 दिन बचेंगे उसमें मॉक लगाएंगे। क्योंकि जब तक बेस नहीं है तो मॉक लगा के नंबर कमाएगा आप डिप्रेस हो जाएंगे। तो डायरेक्ट मॉक नहीं लगाया जाएगा, डायरेक्ट आप लोग बेस बनाएंगे पहले, और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ऑलरेडी वो सिर्फ मॉक लगाएंगे। तो ये प्लानिंग है आप लोग का। अब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जहाँ पे बहुत लोग मार खाते हैं वो है GK जनरल अवेयरनेस। आइए उसके बारे में देखते हैं। तो जनरल अवेयरनेस में हम लोग क्या करेंगे, तो जनरल अवेयरनेस में कम से कम 4 मंथ का करंट अफेयर आपको तैयार करना, और ये करंट अफेयर 4 मंथ का डिटेल तैयार करना, स्टैटिक अवेयरनेस तैयार करना और बैंकिंग अवेयरनेस तैयार करना, ठीक है। अब इसका तैयारी कहाँ होगा, तो इसका तैयारी मेरे टेलीग्राम ग्रुप बैंकिंग ब्लॉग 1 जो GK का स्पेशली ग्रुप है, डेली रात 10 बजे इसका तैयारी होता है। और इसमें बैंकिंग ब्लॉग 1 में क्या होता है, क्यों मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, तो देखिए बैंकिंग ब्लॉग 1 में हम लोग क्या कराते हैं। आज जैसे 26 फरवरी का HW है, डेली आपको रात में फ्यूज के बाद HW मिलेगा कि इसी से हम कल पूछेंगे। और जिसको मटेरियल का प्रॉब्लम है कि सर मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो आप मेरे को मैसेज टेलीग्राम ग्रुप में करो, मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा। तो जैसे आज का हम लोग सबसे पहले देखिए टॉपिक वाइज किस तरह से बंटवा रखे हैं। स्टैटिक हम लोग करवाते हैं, करेंट करवाते हैं, और अभी इंश्योरेंस का एग्जाम है तो इंश्योरेंस भी कराते हैं। जैसे ECGC है या LIC आने वाला AA, उसके लिए भी हम लोग कराते हैं साथ में। क्योंकि मेरा मानना है कि तैयारी GA का एग्जामिनेशन से पहले होना चाहिए, और एग्जामिनेशन के टाइम में सिर्फ रिवीजन होना चाहिए, मेरा मानना है। इसलिए मैं पहले से सबको तैयार करा कर रखता हूँ। करंट अफेयर डेली का करंट अफेयर हम लोग कराते हैं। जैसे 25 फरवरी का आज हम लोग का करंट अफेयर होगा। तो ये सारा देखिए, जो भी बैंकिंग के बच्चे हैं उनको पता है फाइनेंशियल अवेयरनेस से क्वेश्चन आते हैं। इस फाइनेंशियल अवेयरनेस का हम लोग एक सेक्शन ही रखे हुए हैं, यानी कि आपका जितना सेक्शन है इसको हम क्लियर करते हैं सिर्फ 1 घंटा डेली 10 से 11 में। अब आपको मटेरियल दे देंगे, HW दे देंगे, तब ना आपको पता है कि हमको आज ये पढ़ना है, रात में ये क्यों जाएगा। तो ये हम लोग का बैंकिंग ब्लॉक का जो भी ग्रुप है उसका ये प्लानिंग होता है कि इस तरह से हम बच्चों को तैयार कराते हैं। अब जो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि स्टैटिक, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता है कि स्टैटिक अवेयरनेस का जो भी सिलेबस है वो क्या है, आखिर स्टैटिक अवेयरनेस का सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले आज सिलेबस देखेंगे कि स्टैटिक अवेयरनेस में पढ़ना क्या आप लोग को। तो स्टैटिक अवेयरनेस में जो करंट CM गवर्नर और मिनिस्टर हैं उनका संसदीय क्षेत्र ये टॉपिक है। नेम ऑफ द थर्मल पावर प्लांट इन इंडिया ये पढ़ना है। एयरपोर्ट इन इंडिया ये पढ़ना है। लिस्ट ऑफ फेमस डांस इन इंडिया, और इसी में टेम्पल भी कर लीजिए, टेम्पल से भी एक क्वेश्चन आया था। पेमेंट या स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में पढ़ना है। कैपिटल करेंसी पढ़ना है, सारे वर्ल्ड में जितना भी देश है उसके बाद। इंडियन सिटी का नाम पढ़ना है और वहाँ का फेमस जगह पढ़ना है। डैम रिवर पढ़ना है। नेम ऑफ द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ना है। नेशनल पार्क पढ़ना है भारत में जितना है। इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट पढ़ना है। प्राइवेट बैंक और पब्लिक बैंक का CMD हेडक्वार्टर और टैगलाइन, CMD हेडक्वार्टर और टैगलाइन, ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। इंपॉर्टेंट फेस्टिवल पढ़ना है। लिस्ट ऑफ स्पोर्ट्स, भारत में जितना स्पोर्ट्स है उससे संबंधित जो व्यक्ति है उससे पूछ देगा कि जिस तरह से राहुल द्रविड़ किस खेल से संबंधित है, तो आपको पता होगा तब तो बनाइएगा। लिस्ट ऑफ अवार्ड गिवन बाय इंडिया, जैसे कि अभी पद्म विभूषण मिला है, ठीक है, पद्म श्री मिला है, तो इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये अवार्ड आपको जानना है। ICC का कौन सा अवार्ड किसको मिला ये जानना है। जो भी अभी लेटेस्ट सबमिट है G20 कहाँ होगा, तो सबमिट के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये स्टैटिक अवेयरनेस का सिलेबस है, आपको कहीं नहीं इस तरह से डिटेल सिलेबस मिलेगा। और यही सिलेबस बैंकिंग ब्लॉक 1 के टेलीग्राम ग्रुप में कराया जाता है, डिटेल कराया जाता है, और इतना बार कराया जाता है कि आपको याद हो जाएगा। आप याद नहीं भी कीजिएगा, बनाते बनाते याद हो जाएगा। अगला है बैंकिंग अवेयरनेस। आखिर बैंकिंग अवेयरनेस में क्या पढ़ना होता है, तो बैंकिंग अवेयरनेस में जैसा कि सबसे पहले बैंकिंग का हिस्ट्री, नेशनलाइजेशन, बैंकों का नेशनलाइजेशन कब हुआ ये देखना है। और भारत में बैंकिंग फर्स्ट इन बैंकिंग यानी कि डेबिट कार्ड कौन सा बैंक पहले लाया,
नेट बैंकिंग कौन सा बैंक पहले लाया, इसके बारे में हम लोग डिटेल देखेंगे। आरबीआई स्ट्रक्चर और फंक्शन इसके बारे में हम लोग को देखना है। मॉनेटरी पॉलिसी कौन लाता है, एमपीसी कमेटी के बारे में देखना है कि एमपीसी कमेटी कौन बनाता है, उसके हेड कौन होते हैं, आरबीआई का गवर्नर कितना होता है, डिप्टी गवर्नर कितना होता है, कौन कौन होते हैं। ये हम लोग क्योंकि आरबीआई का एग्जाम है, इससे भी उस बार दो क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, और टाइप ऑफ बैंक अकाउंट, बैंक में आपका कितना टाइप के अकाउंट होते हैं, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, आरडी, एफडी, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि जो भी अभी जनधन खाता है, जो भी फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो स्कीम है उसके बारे में हम जानेंगे। ऑल बैंकिंग एक्ट, भारत में जितना बैंकिंग एक्ट है, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो आरबीआई एक्ट है, फिर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का ब्रा एक्ट है, तो उसके बाद कोड इन द बैंकिंग सेक्टर, यानी कि कोड यानी कि क्या, उस बार जो क्वेश्चन आया था आईएफएससी से कोड आया था, कितना डिजिट का होता है, इस टाइप के कोड आपको आएंगे। उसी तरह से एमआईसीआर के बारे में पूछा जाएगा, तो ये आपका कोड यूज इन बैंकिंग सेक्टर से इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। बैंकिंग रेट पूछा जाएगा, रेपो रेट कौन सा है, रिवर्स रेपो रेट अभी क्या है, ये क्वेश्चन आएंगे आपको बैंकिंग रेट से। एटीएम इन इंडिया, टाइप ऑफ एटीएम, जिस तरह से येलो लेवल एटीएम, ब्राउन लेवल एटीएम, इस टाइप के क्वेश्चन आपको नजर आएंगे इसमें। टाइप ऑफ कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के बारे में आएंगे कि रुपे कार्ड कब आया था, एनपीसीआई कब आया था, ये सब इस टाइप ऑफ कार्ड में हम लोग डील करेंगे। रोल ऑफ बैंकिंग इन्वेस्टमेंट इन बैंकिंग सेक्टर, ठीक है, बैंकिंग रिलेटेड स्कीम जो भी है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद फाइनेंशियल मार्केट यानी कि सेबी के बारे में हम लोग इसमें बढ़िया से डिटेल पढ़ेंगे। नोवेसेबल इंस्ट्रूमेंट एनआईएक्ट, जिसमें आपको चेक डीडी सारे आ जाएंगे इंस्ट्रूमेंट, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट इंडिया, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये डिटेल बैंकिंग अवर्नेंस का सिलेबस है, यही हम लोग को क्लियर करना है। और ये सब कहाँ होगा, बैंकिंग ब्लॉग वन के टेलीग्राम चैनल पर। तो ये बैंकिंग अवर्नेंस का पूरा डिटेल सिलेबस है, जो कि आपको बहुत यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। और बैंकिंग अवर्नेंस हो गया, स्टैटिक अवर्नेंस हो गया, ये सब कहाँ होगा, तो जो हमारा डेली क्यूज होता है इस पे आपको सारा हो जाएगा। आप कहीं से भी कीजिए, लेकिन इतना सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, जो कि आसानी से आप यहाँ 30 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन बना सकते हैं, ईजिली कर सकते हैं, अगर ये सारा सिलेबस आपका कम्प्लीट है। तो यही प्लानिंग है आप लोग का 45 दिन का। एक मंथ आप लोग को बेसिक फाउंडेशन करना होगा, उसके बाद 15 दिन आपको मॉक लगाना होगा। मॉक लगाने के बाद आप खुद अपना स्कोर देखेंगे कि आपका स्कोर कितना है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, जो कि जो भी आपके फ्रेंड सर्किल में लोग हैं उनको पता चले कि आखिर पढ़ना क्या है और इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए करना क्या है। क्योंकि मैंने आपको प्लान बताया और मैं प्लान करवाऊँगा भी, आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको 2 घंटा 9 से 10 मैथ रीजनिंग इंग्लिश के लिए और 10 से 11 जीके के लिए समय निकालना है डेली रात में। आप इतना निकाल लीजिए, एक मंथ आप करके देख लीजिए। आपको आप चैनल पे एक बार जुड़ के देखिए, 5 दिन में आपको पता चल जाएगा प्रॉफिट होता है कि नहीं। इतना बार एमसीक्यू रिपीट होगा कि आपको याद हो जाएगा, नहीं भी याद करना चाहेंगे फिर भी याद हो जाएगा, क्योंकि एमसीक्यू बनाने से याद हो जाता है। तो जो भी इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं वो सीरियस हो जाए, और समय कम है, 9 तारीख को एग्ज़ाम है। तो ये प्लानिंग जिनको समझ में आ गया है तो प्लानिंग को आज ही इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए। और फिर अगर कोई आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाउट पूछिए, उसका क्लियर किया जाएगा। फिर एक न्यू वीडियो के साथ मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, तो आपको सारा वीडियो का नोटिफिकेशन भी चला जाएगा।